भारी बरसात के कारण जो है वो पानी ने अपना रास्ता लिया है, उसमें कई जगह जहाँ पर इंक्रोचमेंट्स हैं, नाले रोक रखे हैं या खड्डों के किनारे भी जहाँ इंक्रोचमेंट्स थी, या कई जगह जैसे जो धर्मशाला के नीचे का एरिया है उसमें सरकारी पेयजल योजनाएं और सिंचाई योजनाएं और स्कूल जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। धर्मशाला जो है वो देश का ऐसा स्थान बन गया है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पहले चेरापूंजी था, अब धर्मशाला जो है उसमें रिकॉर्ड होती है। तो ये सारा कैचमेंट एरिया है, जैसे ही आसपास के पहाड़ों से पानी आता है वो अपना रास्ता लेता है, उसमें भारी नुकसान हुआ है। हमने हेल्पलाइन नंबर इशू किए हैं, जहाँ जहाँ लोगों को जो भी ज़रूरत है उसके लिए उस चीज़ की व्यवस्था की जाएगी। उनको अभी जो है एक टेम्परेरी ट्रांजिट कहीं पे ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ पूरी व्यवस्था हो भोजन की, रहने की, और उसके साथ साथ जो है हमने ये कहा है कि क्योंकि जहाँ इंक्रोचमेंट्स थी वहाँ शायद ही सरकार मुआवजा कोई दे पाए, क्योंकि वो रिलीफ का पैसा वहाँ जाता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जो हैं वो अपने जो हमारी हेल्पलाइन है उसकी तरफ से उनको दोबारा से बसाने के लिए धनराशि की भी व्यवस्था करेंगे, ताकि लोग जो हैं अपना जीवन जो है वो दोबारा से शुरू कर पाएँ। घर थे लोगों की, झुग्गियाँ थी जो बाहर से लेबर आती है वो बह गई हैं, घर बह गए हैं। प्रशासन के लोग अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं, लेकिन बाकी जो स्थानीय लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो सुबह ही पहुँच गए थे, और सुबह ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि इस तरह का नुकसान हुआ है। और ये अभी से सरकार के जो वहाँ अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उसको देखना पड़ेगा कि इस तरह से जो नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट कर लेना, पानी को का रास्ता रोक देना, और उसके बाद जो ये नुकसान हो जाते हैं, तो इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करते हुए इन चीज़ों को हटाना चाहिए, चाहे वो किसी का है, कोई राजनीतिक उसमें संरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर वर्ष हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आज हुआ है तो कल नहीं होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए कड़ी कार्रवाई भी हो, लेकिन साथ ही साथ जिनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, ये बड़ा चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि जो सरकारी कानून होते हैं आपदा के लिए जो पैसा जाता है वो पूरे मापदंडों के तहत ही जाएगा, उसमें आप जो है वो इमोशनल होके या भावतापूर्ण जो है वो सहायता नहीं कर सकते। वो समाज के लोगों को इकट्ठा करके और हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम जो है पुनः उनको उनका जीवन जो है उसको सुचारू रूप से कैसे उन्होंने शुरू करना है उसकी व्यवस्था बना करके दें।